IVM हंस वाणी, हंस कथा मासिक, अब आवाज की दुनिया में। पेश है ललित कार्तिकीय की कहानी हीलियम, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर। छोटे कद, सांवली रंगत और पेज कट बालों वाली उस लड़की में 70 mm का दिमाग था और दिमाग में ईस्टमन कलर का एक रंग बिरंगी सपना। सपना कोई स्थिर चित्र नहीं था कि वो खुद या कोई और उसे अंतिम रूप से एक ही बार में बयान कर सकता। वो एक फिल्म की मानिंद था, बहते हुए दृश्य, एक के बाद एक होती घटनाएं। इस स्वप्न प्रवाह का कोई अंत नहीं था। इसमें रोज कुछ दृश्यों और घटनाओं, पात्रों और संवादों का इजाफा होता जाता। वो पुराने दृश्यों के डिटेल्स बदलकर, पात्रों के हेयर स्टाइल और पहनावे इत्यादि में तब्दीलियां कर उन्हें लगातार अप टू डेट करती रहती। हां, मुख्य पात्र जरूर फाइनल हो चुके थे, एक वो खुद, दूसरा उसका नायक हीरो। सफेद दूधिया दांतों, चमकीली आंखों वाला एक लंबा आकर्षक पुरुष। यूं वो उस पुरुष का नाम पता पक्के तौर पर नहीं जानती थी, अनेक रूपों में अनेक जगह वो उसे दिखता रहता था। कभी सूटिंग शर्टिंग के विज्ञापनों में, कभी कनॉट प्लेस के बरामदों में, कभी उन नए बसते विहारों में जहां वो ट्यूशने पढ़ाने जाया करती थी। एक दफा कुवैत से आए किसी रिश्तेदार परिवार के साथ घूमने के लिए वो सांझ को इंडिया गेट गई थी, तो वो उसे दिखा था। सर्दियों की धुंध और उतरती रात में किसी के हाथ में हाथ डाले सड़क के इर्द गिर्द की धुंधली पीली रोशनी से लॉन्च के अंधेरे की ओर सधे कदमों से बढ़ता हुआ, जाने किसकी कमर को अपनी बाह से घेरे अंधेरे की चट्टान से बाहर निकल सड़क की रोशनी के मटमैले निस्पंद पोखर में उतरता हुआ। उम्र के किस मोड़ पर कैसे इस सपने का मुहूर्त हुआ था ये लड़की को नहीं मालूम। जाने कितने बरसों से वो इस पुरुष और अपने चारों ओर चलती बुझती रंग बिरंगी नियॉन लाइटों सी रहस्यमय झिलमिल दुनिया रचती रही थी। उसे कहीं कोई दृश्य भा जाता, कोई स्थिति पसंद आ जाती, कोई चीज रुच जाती, तो पता नहीं कब वो अपने आप उस दुनिया में शामिल हो जाती। वो कब इस दुनिया के भीतर होती, कब बाहर, ये कह पाना मुश्किल है। शायद वो एक साथ बाहर भी होती और भीतर भी। शाम को पुरुष अपने काम से घर लौटा है। वो कभी डॉक्टर होता, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कभी फ्लाइट लेफ्टिनेंट, कभी मैनेजर, कभी आईएएस ऑफिसर, कभी बिजनेसमैन। उसके गोरे ग्रीक गॉड जैसे चेहरे पर हल्की सी थकान है, लाल होंठों पर धुली सफेद मुस्कान, चौड़े माथे पर झूलती हुई नरम बालों की एक काली लट। लड़की बड़े मोहक अंदाज में चाय लाती है। सपने में ट्रे, क्रॉकरी, चाय का ब्रांड, पर्दे, पेंटिंग्स, डाइनिंग टेबल, सोफा, टीवी, एयर कंडीशनर, वीडियो प्लेयर, स्टीरियो सिस्टम बदलते रहते थे।
लड़की के इन चीजों से संबंधित ज्ञान के बढ़ते जाने के साथ साथ पुरुष मुग्ध सा उसकी ओर देखता हुआ उठता है। उसकी आंखों में शरारत भरी है। वो टाई की नॉट ढीली करता है, लड़की को अपनी बाहों में उठा कई बार एड़ियों पर घूम जाता है। वो दोनों खिलखिलाते हुए गुदगुदे पर्शियन कालीन में ढेर हो जाते हैं। वो दोनों अपनी नई मारुति में शॉपिंग करने निकले। पुरुष की कद काठी, वेशभूषा, चेहरे और आंखों में दबदबाता रोबदाब देख कीड़े मकौड़ों सी खदबदाती भीड़ रास्ता छोड़ती चली जाती है। लड़की उसकी छाया में सॉफ्टी कुतरती एक जगमग स्टोर से निकल दूसरे फिर तीसरे में घुसती चली जाती है। एक एक चीज को पारखी की तरह परखती है, खूब मूल भाव करती है, अंत में दुकानदार के बताए भाव से कुछ कम पर ही चीजों को खरीदती है। पहले पुरुष की बाहें पैक्ड डिब्बों से भरती हैं, फिर लड़की की। हर डिब्बे के साथ वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठते जाते हैं, संतुष्टि, सुरक्षा, आत्मविश्वास से भरते जाते हैं। उस रात उनका प्यार ज्यादा घनाता है, खूब गहरा जाता है। पहले शॉपिंग वेस्पा स्कूटर पर होती थी, फिर एक सेकेंड हैंड एम्बेसडर आई, उसे बेचकर और इस दौरान की बचत मिलाकर पद्मिनी प्रीमियर ली। अब शुक्र है कि लड़की ने जिद करके मारुति की रजिस्ट्रेशन करवा दी थी, वरना ब्लैक में लेनी पड़ती। दिन ब दिन बढ़ती ब्लैक और अपनी कोठी के पोर्श में बाजार भाव पर आ खड़ी हुई मारुति को देख पुरुष भावुक हो जाता है। आरती, यू आर टू वाइज, सो फार साइटेड। यार, मैं तो सिर्फ पैसे कमाना जानता हूं, उसका सही इस्तेमाल तो सिर्फ तुम्हें करना आता है। लड़की ये सुनकर थोड़ा फूलती है, एकाएक उदास हो जाती है, अतीत की राहों पर वापस लौटती है और जैसे किसी गहरे अंधेरे तहखाने से बोलती है, सब मम्मी ने सिखाया राजे, सब कुछ मम्मी ने ही हमारे घर को बनाया बढ़ाया, पापा तो बस। क्यों डियर, अब इस पद्मिनी को टैक्सी ने बना दे। वो साड़ी का पल्लू कमर में खोसे कोठी के आगे पीछे लगाए गए पौधों को पानी दे रही है कि नेपाली नौकर बहादुर किचन का काम छोड़ उससे कुछ दूर आकर खड़ा हो जाता है। उंगलियां चटकाता वो कभी जमीन, कभी फूलों, कभी उसके चेहरे की ओर देखता है, कुछ परेशान सा। बहादुर की मौजूदगी का एहसास होते ही वो गुस्से का पोज ले लेती है। क्या है रे, किचन का काम खत्म हो गया क्या? मेम साहब वो, बहादुर उंगलियां चटकाता हकलाता है। लड़की पोज में गुस्से की लकीरें और गहरी कर देती है। क्या मेम साहब लगा रखा है, बोलना नहीं आता क्या? तुम गवारों को कभी कुछ नहीं आएगा। कितनी बार कहा है, जो कहना हो उससे पहले ठीक से सोचो, फिर साफ साफ कहो। बहादुर की नजरें जमीन, फूलों, उसके चेहरे से लड़खड़ाती हुई फिर जमीन पर जा गिरती है। वो ढीले बदन को कुछ कुछ अटेंशन की पोजीशन में लाता है, कुछ देर सोचता है, फिर ऐसे बोलने लगता है जैसे कोई बच्चा टीचर को अपना पाठ सुना रहा हो। घर से चिट्ठी आया है, बाप बीमार है, पैसा मंगाया है, नहीं भेजा तो मर जाएगा। बहादुर के खड़े होने और बोलने के अंदाज पर उसकी हंसी छूटने लगती है कि वो फिर उंगलियां चटकाता हकलाता है। मेम साहब, इस महीने का तनखा पैसा पहले दे दो मैम साहब। लड़की हंसने को स्थगित कर फिर गुस्से का पोज लेने को होती है कि बहादुर की आवाज रुंध जाती है। मैम साहब, बाप, हमारे बाप। पैसे की खदान है क्या यहाँ? इस महीने का काम क्या पहले ही कर लिया है, जो तनखा पहले दे दें। वो द्रवित होती है लेकिन कठोर बनी रहती है। बहादुर उंगलियां चटकाता सुबकने लगता है। वो आवाज को थोड़ा नरम कर लेती है। अच्छा अच्छा, रो मत, चल किचन का काम निपटा, शाम को साहब से पूछकर बता दूंगी। लड़की फूलों पौधों को पानी देती सोचती जाती है, पैसे तो इसे दे ही देने चाहिए, इस उम्र में बेचारा फिर कहीं और खिसक गया तो। मिसेस बर्मन तो इसे पहले फुसलाने के चक्कर में हैं, लेकिन नौकरों को रखना तो थोड़ा डांट टपट कर ही चाहिए, वरना सिर चढ़ जाते हैं। मम्मी के सारे गुर कितने कामयाब हैं, मेरी जगह पापा होते तो क्या करते। बहादुर से काम लेने के बजाय उसे पढ़ाने लिखाने लगते। पापा वो सच एन इम्प्रैक्टिकल गाय,
पर मैंने भी क्या नहीं किया इस बहादुर के लिए। आया था तो कितना गंदा था, चिक्कट कपड़े, मैला बदन। ऐसा नौकर भला गेस्ट लोगों के सामने लाया जा सकता था? अब तो बहादुर का हुलिया ही बदल गया है, नौकर नहीं मिनी डैनी लगता है। मिसेस बर्मन ने देखा तो बोली, ओ हाउ क्यूट। वो अपनी कृति पर मुग्ध हो जाती है, फैसला कर लेती है कि शाम को बहादुर को पेशगी तनख्वाह दे देगी। अपनी सहृदयता और उदारता पर गदगद होती है। 125 हुई की तो बात है, हाँ जी हमसे तो नहीं बना जाता इतना पत्थर दिल, हमने भी तो बुरे दिन देखे हैं। भीतर जाकर बहादुर से कहती, चाय पीने का मन हो तो बना लो। पुरुष ने काम से थककर एक पखवाड़े की छुट्टियां ली हैं। वो दोनों एयर इंडिया के जहाज की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते विदा करने आए मित्रों की ओर हाथ हिला रहे हैं। नेपाल, सिंगापुर, हांगकांग, मित्रों ने काफी सामान लिखवा दिया है वहां से लाने के लिए। थोड़ा खतरा है पर एक तरीके से मुफ्त में पड़ जाएगा ये ट्रिप, हो सकता है कुछ बच बचा भी जाए। पुरुष फिर भावुक हो उठा है, यू आर टू वाइज माई लव, सो फार साइटेड। लड़की ने स्कूल की नौकरी छोड़ दी है, ट्यूशनें भी, स्टॉक शेयर्स के जरिए वो घर बैठे उससे दुगना कमा रही है। पढ़ा तो इस दुनिया में बस पापा जैसे लोग सकते हैं। एक कोचिंग सेंटर खोल दिया है कोठी के पिछले हिस्से में, छोटे भाई को उसका प्रिंसिपल बना दिया है। शुरू में दिमाग लगाना पड़ा था थोड़ा, अब तो पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है, छोटा देख रेख में ट्रेंड हो गया है। पढ़ने में तो उसका शुरू से मन नहीं था, वो सेटल न करती तो छोटा जाने क्या करता, कितनी श्रद्धा से दीदी दीदी करता है। दृश्य और स्थितियां कहीं चुकते न थे, हर दृश्य और स्थिति में उसे अपनी भूमिका, भंगिमाएं और संवाद बिल्कुल ठीक तौर पर मालूम थे। भविष्य का एक सुनियोजित नक्शा था उसके पास, लेकिन उसके दिमाग में इच्छाएं सफेद भूरे अयालों वाले अरबी घोड़ों की तरह दौड़ती कि कोई ऊंची दीवार सामने आ जाती। घोड़े बेचैनी से हिनहिनाते, पैर पटकते, लड़की गुस्से और झुंझलाहट से भर जाती। काश काश कोई उसे धान की तरह उसके हालातों की जमीन से उखाड़ वहां रोप सकता जहां मम्मी हिम्मत बंधाती। हिम्मत मत हार बेटा, जरूर करेंगे छोटी, इस दीवार में भी किसी तरह सुराख करेंगे। कभी आशंकाओं और अनिश्चितता की खाइयों के किनारे पर घोड़े ठिटक जाते, पीछे हटने लगते, वो मम्मी की ओर देखती। पुल बिछाओ मम्मी, कोई पुल बिछाओ इन खाइयों पर। मम्मी ग्लूकोज की बोतलें चढ़वाती। कभी घोड़े भय और असहायता के काले दलदल में धंस जाते और गर्क होने लगते, लड़की चिल्लाती, मम्मी। कोयला होते कंकाल सी मम्मी करहाते हुए बिस्तर से उठती, खुद को जैसे तैसे बटोर थकी आंखों से आसपास कोई रस्सी ढूंढने लगती। लेकिन शुरू में ये ईस्टमन कलर का सपना रंगों और रोशनियों में छिपा एक बिंदु भर था, फिर धीरे धीरे इसका आकार बढ़ने लगा। होश संभालने से लेकर पापा की साइकियाट्रिक वार्ड में दाखिल कराए जाने तक लड़की ने मम्मी को हमेशा पापा से झगड़ते पाया था। पापा कॉलेज से आकर अपने कमरे में बंद हो जाते या जाने किस किस जगह सभा गोष्ठियों सेमिनारों में दिन गुजार रात गए घर लौटते, पर उनकी लिखाई पढ़ाई घूमने फिरने का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आता था। पड़ोसी प्रोफेसर गुप्ता थे, लुंगी लपेटे, ट्यूशनों के कई कई बैच चलाते, गाइडें लिखते। मुटल्ली मिसेस गुप्ता मम्मी से कहती, चले हैं बहना, चल आज वॉशिंग मशीन देखावे। अरे हमने तो अपने बबलू की खातिर भी रोहिणी में मकान रजिस्टर करवा दिया है। मम्मी पापा के आगे पीछे भुनभुनाती, अरे इस घर और इन बच्चों के बारे में भी सोचो कुछ, कि सारी जिंदगी बस लड़कपन ही करते रहोगे। पापा किताबों के गट्ठर खरीद लाते, मम्मी उन पर हिकारत भरी नजर डालती, तुनकती, किसी काम की चीज पर भी पैसा खर्च करोगे कभी, कि बस नावलों से भरते रहोगे इस घर को।
तीन तीन बच्चों के बाप हो गए हो, सोच समझ कर उड़ाओ। जब गृहस्थी की है तो गृहस्थी की तरह निभाओ। घर कभी पापा के अजीबो गरीब दोस्तों से भर जाता। वो ठाके लगाते, किचन में घुस सारी चीनी खत्म कर डालते, फर्श को सिगरेट बीड़ियों के अधजले टुकड़ों से भर देते, बहस करते, बहस के दौरान एक दूसरे को गुस्से से देखते, ऊंचे ऊंचे बोलते, फिर खामोश हो जाते, तेज तेज कश मारते, फिर ठाके लगाने लगते। वो लड़की से 2 साल बड़े भाई को बहुत चाहते थे, उसे जाने क्या बताते, किताबें दे जाते। वो उनके बीच बैठा हथेलियों पर ठुड्डी टिकाए आंखें फाड़ फाड़ उन्हें देखता, उनकी बहस सुनता रहता, उनके लिए चाय बनाकर खुश होता, दौड़ दौड़ कर पान लाता। मम्मी लड़की और छोटे को लेकर छत पर चली जाती, कुर्ती बार बार ठंडी सांसें छोड़ते हुए लड़की से कहती, देख ले छोटी, देख ले, लुट रहा है हमारा घर, ये निठल्ले डाकू बर्बाद कर देंगे हमें, देख ले छोटी, देख ले। लड़की को पापा और उनके दोस्तों पर गुस्सा आता। छोटा मुट्ठी बंद कर एक उंगली को सीधा कर फायर करने लगता, कल मैंने बंदूक से उला दूंगा, थे, थे, थे। कमरे से आंगन और आंगन से छत तक ना समझ आने वाले शब्दों के टुकड़े उड़ते रहते। आजादी के बाद उपभोक्तावाद समाज, जन चेतना का राजनीतिकरण, तेलंगाना का तरीका, नेहरू की नीतियां, फासिस्टी संगठन। पापा को कुछ नहीं आता था, न पड़ोसियों रिश्तेदारों से कायदे की बातें करना, न खरीद फरोख्त, न ढंग से रहना सहना, सब मम्मी को करना पड़ता। वही शोक सगुन के मौकों पर लोगों के यहां आती जाती, लड़ झगड़ कर घर के सामान में बढ़ोतरी करती, खरीदारी करती। बाप रे, मम्मी को कितना कुछ पता था। आजकल कौन सी नौकरी में कितना पैसा मिलता है, किस औहदे का जमाई कितने तक का पड़ जाता है, किस पड़ोसी ने चुपचाप अपनी कुमारी लड़की का गर्भपात करवाया है, किस रिश्तेदार के लड़के ने प्रेम विवाह किया है। सिर्फ मैट्रिक पास थी मम्मी और पापा थे लेक्चरर, पर कितना अंतर था दोनों के ज्ञान में। लड़की मम्मी से प्रभावित रहती, मम्मी कहीं भी आते जाते लड़की को अक्सर साथ रखती, फिर छोटे मोटे कामों पर उसे अकेले भेजने लगी ढेर सारी हिदायतों के साथ। और फिर 2 लड़कियां और आ गईं, मम्मी का झगड़ना बढ़ गया। वो तीन तीन लड़कियों के ब्याह के बोझ की बात करती रहती। पापा कभी कभी कहते, अरे भाई जमाना बदल जाएगा इनके बड़े होने तक, ये खुद कर लेंगे अपनी शादियां अपनी पसंद के लड़कों के साथ, तुम तो बस बिगाड़ दो, अभी से बिगाड़ दो, और कुछ तो बस का है नहीं तुम्हारे। हाय राम, किस्मत ही फूट गई रे। मम्मी दोनों हाथों से अपना माथा पीटती, साड़ी का आंचल मुंह में ठूंस रोने लगती। पापा अपने कमरे में चले जाते, डरी सहमी छोटी बच्चियां मम्मी से चिपट जाती, बड़ा मम्मी को घूरता। मम्मी पापा के बंद कमरे की तरफ हाथ हिला हिला गालियां देने लगती, बड़ा झपट कर उनके मुंह को अपनी हथेली से भींच देता, मम्मी फर्श पर पैर पटकने लगती। छोटा हाथ को बंदूक बना बड़े की तरफ फायर करता, बड़ा उसे धुन देता और मम्मी बड़े को। वो थोड़ी देर चुपचाप खड़ा मम्मी को घूरता, फिर पापा के कमरे में घुस जाता। लड़की मम्मी को पानी पिलाती। मम्मी हिम्मती थी, पापा दब्बू और डरपोक से। मम्मी झगड़ती तो पापा धीमी आवाज में कुछ समझाने की कोशिश करते, फिर बीच में चुप हो जाते, फिर मम्मी के पास से हट जाते। वो घर से काफी बाहर रहने लगे थे। हां, बड़ा अक्सर मम्मी को उल्टा सीधा कहता। धीरे धीरे सब कुछ मम्मी के हाथों में सिमटता गया, सारे फैसले। पापा को रोज 2 कप चाय, घर से कॉलेज जाने आने का बस किराया और महीने में 1-2 किताब के पैसे दे दिए जाते और बस। मम्मी ने पास पड़ोस की औरतों को मिलाकर 2 छोटी-छोटी लॉटरियां शुरू की। बैंक में 3 लड़कियों के नाम माहवार कुछ पैसे जमा होने लगे। स्वेटर बुनने की एक मशीन खरीदी गई और एक बड़े से गत्ते पर लिखकर घर के बाहर लटका दिया गया, यहां डिजाइनर स्वेटर बुने जाते हैं। पापा के कमरे से किताबों के ढेर निकाल पुरानी साड़ियों में बांध किचन की परछत्ती पर रख दिए गए और कमरा किराए पर चढ़ा दिया गया। पापा के अजीबोगरीब दोस्तों की आमद बंद कर दी गई।
खाली लगते घर में एक एक कर चीजें आती गईं। डबल बेड, सोफा, दीवार घड़ी, कुकिंग गैस। घर अब घर सा लगने लगा। जब भी कोई नई चीज आती, पूरे मोहल्ले की औरतें एक एक कर देखने आने लगती। नई चीज पर हर कोण से चर्चा होती। मिसेस गुप्ता से तुलना की जाती। मम्मी सद समर सोफे पर बैठती और मुंह बना बना कर पड़ोसियों से बातें करती। मोहल्ले की औरतों के समाज में उनकी कद्र और रुतबा बढ़ता जा रहा था। पापा और बड़ा जाने कहां कहां घूमते, देर से घर लौटते और चुप रहते। पापा की चुप में तो मालूम नहीं क्या था, पर बड़े की चुप अंगारे पर जमी राख थी। लड़की को बड़े से डर लगता, वो छोटे से प्यार करती। जिस रोज टीवी आया, पापा हौले से बुदबुदाए, क्या कर रही हो तुम, बच्चों को कैसे जीना सिखा रही हो? ऐसे जीना सिखा रही हूं जैसे जीना चाहिए, जैसे दुनिया जी रही है, तुम जैसे नामर्द। फिर से कहो जरा। चुपचाप खड़ा बड़ा मम्मी की ओर लपका। पापा उसका हाथ थाम बाहर ले गए। लड़की बीए कर गई थी, सरिता पढ़ती, स्पैन मंगाती। शाम को बड़े और पापा को छोड़ सब टीवी के चारों ओर बैठते। लड़की डेल कार्नेगी की किताबें पढ़ती पढ़ती कह उठती, हाय ये बात तो मम्मी भी कहती हैं। वाओ मम्मी इज सो वाइज, योर मम्मा इज अ स्पाइडर। एक दिन बड़े ने सुन लिया तो गुर्रा पड़ा उस पर। लड़की को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। सोचने लगी, ये भी पता नहीं पापा की तरह किस दुनिया में रहता है, कैसी तो वोकैबुलरी इस्तेमाल करता है। परसों मम्मी के बारे में कह रहा था कि वो हीलियम भरा बलून है, एमए के बाद यूं ही आवारा गर्दी करता घूमता है। मम्मी ने कहा कंपटीशन में बैठो, तो किस तरह देखा था मम्मी को, जैसे भस्म कर देगा। मिस्टर सुखुईजा तो कह रहे थे कि डाई बनाने की मशीन लगा दो इसके लिए घर में ही, वो गाइड कर देंगे, मार्केट बनवा देंगे। आफ्टर ऑल मिस्टर सुखुईजा इज क्वाइट अ सक्सेसफुल मैन, कुछ ही साल में कितना बड़ा बिजनेस फैला लिया है। से इन्होंने डेल कार्नेगी पढ़ाया क्या? कहां पढ़ा होगा, आठवीं के बाद तो पढ़ना छोड़ दिया था उन्होंने। मम्मी को लड़की के ब्याह की चिंता सताने लगी थी। वो परिचितों रिश्तेदारों से लड़का बताने के लिए कहती। मम्मी और लड़की उनके बताए लड़कों पर नाक भौं सिकोड़ लेती। ढीले ढीले यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क्स, रेलवे में क्लर्की करते बुढ़ाए जवान, गवर्नमेंट स्कूलों के आलसी आत्मतुष्ट मास्टर। ये लोग सोचते हैं हमें इनके जमाइयों सा लीचड़ ही चाहिए। बेटी तेरे लिए तो कोई राजकुमारी ढूंढूंगी, तू घबरा मत। लड़की ने एमए के पहले साल में संतोषी माता के व्रत रखे। दूसरे साल में वो धर्मनिरपेक्ष हो गई, शुक्रवार को खटाई खाने लगी। पापा और बड़े को लेकर मम्मी का गुस्सा बढ़ने लगा, कैसे मर्द हैं ये, दुनिया से न्यारे। वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो चली, लेकिन वो लड़के के लिए भाग दौड़ करती रहीं, लोगों को कहती रहीं। मम्मी जमीन और जमाने को समझने वाली औरत थी, जानती थी खाते पीते घरों के सुंदर हृष्ट पुष्ट कमाऊ पूत यूं ही दूल्हे बनकर नहीं आ जाते। मम्मी पासबुकें देखती, फिर घर के आंगन में उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड, कुछ खिलौने और चार्ट, छोटे छोटे स्टूलों और थर्ड डिवीजन में बीए पास एक टीचर का बंदोबस्त कर क्रिसेंट नर्सरी पब्लिक स्कूल खोल दिया। मोहल्ले और आसपास के 10-15 छोटे छोटे बच्चे आंगन में ए से एप्पल गाने लगे। बड़ी लॉटरियां डालना शुरू कर दी। मिस्टर मखीजा से पूछताछ कर छोटे मोटे स्टॉक शेयर्स खरीदने लगी। अब वो अपने लाडले छोटे पर भी बिगड़ने लगी थी। वो पढ़ना लिखना छोड़ बो डेरेक और ब्रूस ली के पोस्टर जमा करता रहता, बोनियम के कैसेट सुनता रहता। बड़ा तो पहले ही कई कई दिन घर से गायब रहता था, और लौटता तो उसकी आंखें दहकती होती, कपड़े और बालों में धूल भरी होती। छोटी लड़कियां भी तेजी से जवानी में कदम रख रही थीं। राम राम कर एक काम का लड़का नजर आया, लंबा सुंदर सेल्स मैनेजर। लड़की ने फोटो देखते ही उसे पसंद कर लिया। उसके भीतर कई दिन ठिनिंग ठिनिंग होती रही, घोड़े सरपट दौड़ते रहे। मम्मी जोश से भर गईं,
लड़के वाले देखने आ रहे थे, कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हुई। फिर वो दिन आ ही गया। वो अपनी कार में आया, लड़की की डॉक्टर बहन, मां, भाभी और लड़का। शक्ल, पहनावा, बातचीत, खानदान सब मन माफिक। लड़के ने लड़की को देखा, फिर दीवार पर लगी पेंटिंग को देखने लगा जो लड़की की एक चित्रकार दोस्त ने बनाई थी और जिस पर लड़की ने मिन्नतें कर अपना नाम लिखवा लिया था। लड़के के घर वालों ने भी कोई खास उत्साह से बातचीत नहीं की। मम्मी ने उस दिन के लिए सुखीजा का नौकर मांग लिया था। वो बैठे बैठे मेहमानों से ढेरों बातें करती रहीं। उन्हें हमेशा पता होता था कब और कहां कैसी बातें करनी चाहिए। वो लोग जाने लगे। मम्मी के जवाब मांगने पर बोले कि डाक से बता देंगे। उस दिन मम्मी ने छोटे के पोस्टर फाड़ कर फेंक दिए। बड़े और पापा को कोसा और करहाती हुई बिस्तर में पड़ गई। लड़की की क्लास में कई इश्क चल रहे थे। एक दो ने उसकी तरफ भी लाइन मारी। एक लड़का उसे कुछ जंचा। हालांकि उसका कद सपने के पुरुष से छोटा था, पर वो दो तीन इंच समझौता करने के लिए तैयार थी। लड़की ने जांच पड़ताल की। वो लड़का शौकिया पढ़ रहा था। बाप का हेलमेट बनाने का कारखाना था। घर में अकेला लड़का था। लड़की को लेकर गंभीर था। एक दिक्कत सामने आई, वो दूसरी जात का था। लड़की ने इस स्तर पर प्रगतिशील हो जाने का फैसला लिया। डेटिंग शुरू हुई। लड़की का सामान्य ज्ञान काफी व्यापक था। उसे मालूम था किस नंबर की मुलाकात में बात कहां तक पहुंचती है। लेकिन पहली ही बार में उसे पता लग गया कि लड़का हर मामले में बेहद कोरा, कमजोर, अत्यंत भावुक और गाबदू है। कि उसके माँ बाप जात पात को लेकर बहुत कट्टर किस्म के लोग हैं और लड़की से उसका ब्याह किसी हालत में नहीं होने देंगे। कि वो अपने माँ बाप से बेइंतहा प्यार करता है और सपने में भी उन्हें दुख पहुंचाने की बात नहीं सोच सकता। लेकिन वो लड़की को बहुत चाहता है और उसके बगैर जीना उसे नामुमकिन लगता है। विचित्र उलझन भरी स्थिति थी। लड़की ने अपने पास एकत्रित सारे फॉर्मूलों से ये सवाल हल करके देखा, नहीं हुआ। लड़का उससे आखिर चाहता क्या है? क्या मम्मी से सलाह ली जाए? एमए फाइनल का पूरा साल इसी ओहापोह में गुजर गया। लड़का उसकी ओर मासूम हसरत भरी निगाहों से देखता रहता। मम्मी ने छोटे के लिए डाई बनाने वाली मशीन लगवा दी, पर वो सिर्फ पोस्टर इकट्ठे करता, अंग्रेजी फिल्में देखता, कमरा बंद कर जॉन ट्रावोल्टा की तरह नाचने की कोशिश करता। कुवैत वाले रिश्तेदार को चिट्ठियां लिखता कि वो उसके लिए वहीं कोई काम ढूंढ ले। वो इंडिया से बोर हो गया है और जवाब का इंतजार करता रहता। एक दिन सुखीजा ने मम्मी को बताया कि बड़ा सरकार के खिलाफ काम करता है। ओ जी, गलत गल है जी। बड़ा बड़ा उच्छा काम है जी। कोई होनहार बंदा कदे राज दी खिलाफत नहीं करता जी। पापा बहुत अजीब हो गए थे। महीने में एक आध दिन भूल जाते कि वो कौन है। खुद को कभी कृष्णा मेनन बताते, कभी नेहरू। ऊट पटांग बकते। राष्ट्रीय अखंडता, शासक दल का बदलता हुआ चरित्र, नियो रिच फिलिस्टीन्स। अगले दिन फिर ठीक हो जाते। मम्मी अब उन्हें डांटती नहीं थी, उनसे नजर बचाती। लड़की को कई दफा और देखने वाले आए, बात नहीं बनी। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती। लड़का ठीक होता तो इनकम कम होती, इनकम उम्मीद के आसपास होती तो लड़का टॉल एंड हैंडसम ना होता, और कहीं दोनों बातें पूरी होती तो लड़के वाले डाक से जवाब देने की बात कहकर चले जाते। शहर में रोज स्टोव फटने लगे थे। बहुएं जलती या जला दी जाती। मम्मी बड़बड़ाती, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लड़की को कभी समझ ना आता कि क्या हो रहा है। उसे कभी डर लगने लगता। वो मम्मी को कई बार अकेले में रोते पाती। फिर एक दिन पापा एक महीने तक भूले रहे कि वो कौन है। सुखीजा की कार में मम्मी उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने उन्हें साइकियाट्रिक वार्ड में दाखिल कर लिया। अगले दिन मम्मी को भी ग्लूकोज चढ़वाना पड़ा। मम्मी के बनाए रास्तों पर अब सारी भागदौड़ लड़की के पैरों को करनी पड़ती। ढेरों हिसाब किताब, ढेरों जोड़ तोड़। उसने मुफ्त में सुखीजा के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सुखीजा के एक दोस्त ने ऑक्सफर्ड कॉन्वेंट मॉडल स्कूल खोला। लड़की फॉर द टाइम बीइंग टीचर हो गई। सुबह 8 बजे स्कूल निकलती, 2 से 8 विहारों में नए रईसों के बिगड़े बच्चों को ट्यूशनें पढ़ाती।
बच्चों की मोटापा ग्रस्त मम्मियों से बात की बात में घुल मिल जाती, उनके घरों में आने वाली चीजों के बारे में जानकारियां लेती, घर के स्कूल की देखभाल, लॉटरियां, स्टॉक शेयर, सामाजिकता के तकाजे, सब लड़की के जिम्मे। वो बेतरह थक जाती। लेकिन दिन की तमाम व्यस्तताओं और थकान के बावजूद बीच बीच में टिनिंग टिनिंग का संगीत बजता, घोड़ों के आयाल उड़ते। पर रात को जब उसके पास कोई व्यस्तता न बचती, वो अपनी उम्र के साल गिनती तो एक बेचैनी से भरने लगती। उसे अपना आप बहुत अकेला लगता। घर ही के लोगों के चेहरे सवाल बनकर उसे घेरने लगते। मम्मी, पापा, बड़ा, छोटा, वो खुद। संगीत और घोड़ों की टापें मध्यम बढ़ती, दूर और दूर होती जाती और अंत में न जाने कहां खो जाती। वो एक अंधेरे कुएं में डूबती जाती। कुएं में स्टोव फटने के धमाके और जलती औरतों की चीखें गूंजती। वो पसीने में नहा जाती। उसे नींद में बुरे बुरे सपने आते। पागल जंगली हाथियों का चिंघाड़ता हुआ एक झुंड उसकी कोठी के फूलों और पौधों को अपने भारी भरकम पैरों से कुचल रहा है। वो दरवाजे तोड़कर ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम में घुस आए हैं, उत्पात मचा रहे हैं। एक हाथी ने पुरुष को अपनी सूंड में उठा दीवार पर दे मारा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बुत की तरह पुरुष खील खील हो गया है। टूटे हुए टीवी, वीडियो प्लेयर, स्टीरियो सिस्टम पर्शियन कालीन पर बिखरे पड़े हैं। हाथी मारुति कार से फुटबॉल खेल रहा है। बड़ा हंस रहा है। लेकिन सुबह की रोशनी और परिचित चीजें, चेहरे, आवाजें उसे आश्वस्त करते। जाने पहचाने रास्ते फिर फैलने लगते, फैलते जाते, फैलते जाते। वो दौड़ने लगती। हाथियों की चिंघाड़े और बड़े की हंसी व्यस्तता में खो जाती। पर सारी व्यस्तताओं के बावजूद कभी कभी टिनिंग टिनिंग का संगीत लौट आता। घोड़ों की टापें सुनाई देने लगती। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर की आवाज में ललित कार्तिकेय की कहानी हीलियम। ये कहानी हंस पत्रिका के अगस्त 1986 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindimagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcasting Network. On Agla Station Adulthood, Ritasha and Aishi speak to gynecologist Sakina Radiowala on the important aspects of the female body, like menstruation, biological clock, infections, and hygiene. Dr. Sakina also answers some crowdsourced questions during this episode. Dr. Siddhant Bhargava, fitness and nutritional scientist, co-founder of Food Darzi, explains how we can simplify our nutrition on the Habit Coach with Ashton.
On Smile India, Shifa tells us the amazing story of Dr. Aparna Hegde's NGO Arman. They provide free counseling to pregnant women and new mothers in their local languages. On Storytellers and Storysellers, Vineet talks to Gaurav Agarwal, co-founder of GameZap. They discuss the conduit between game developers and large platforms. And on Hansvani, here's Sushma Munindra's story, Ye Ishq Ishq Hai, Ishq Ishq, which explores how love is perceived differently by two different generations in the voice of Shashwata Sharma. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you enjoyed this show, or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We appreciate the word of mouth. And finally, we'd like to thank the sponsors on our network this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, and Kotak Mahindra Bank. Thank you so much for making this possible. Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes.